डेली प्रैक्टिस सेट के डे नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप जानते हैं इनका यूज़ कहाँ पे आपको बेनिफिशियल रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हम लोग ने आपके लिए लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। किसी रेक्टेंगल की बात हो रही है, मान लीजिए इस तरीके का आपके पास में रेक्टेंगल है ए बी सी डी। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो और सामने सामने की साइड्स एक दूसरे के बराबर हो जाएं। अब डायगनल का मतलब ये होता है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, या फिर इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलेगा जिसका हाइपोटेनस 17 है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, देखिए एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17, तो 17 हमेशा फिक्स होता है क्योंकि हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है जो कि 90 डिग्री एंगल के सामने होती है। अब इन दोनों को आप कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, 15 आप यहाँ पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे भी। मैं 15 यहाँ पे देता हूँ तो 8 यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यही कॉम्बिनेशन चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं चल पाएगा क्योंकि ये एक ट्रिपलेट होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ऐसे ना समझ में आए तब आप इस डेटा का सहारा ले सकते हैं, वैसे इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो लंबाई 15 है और ये है 8, तो 15 8 120, सीधे टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इसको वेरीफाई कराना भी ज़रूरी है। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, ये हो जाएगा 46, दो से काटेंगे तो एल प्लस बी यानी कि 23। अब आप जोड़ दीजिए इनको, क्या 15 प्लस 8 आपको 23 नहीं मिलता, जो कि वेरीफाई करने के लिए काफ़ी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोन का मतलब ये है तो वर्ड्स का मतलब क्या होगा, ये चीज़ आपका आपके क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो स्टोन को ये लिखने का मतलब, कौन सा पैटर्न को फॉलो करते हुए ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो STONE, आप यहाँ पे लॉजिक लगाने से अच्छा सामने सामने की वैल्यूज़ को इक्वेट करके भी रख सकते हैं। तो FNBL और K, यानी S का मतलब F होगा और इसी तरह से F का मतलब S हो जाएगा, और इसी तरह से, लेकिन इसके पहले आप ध्यान रखिए स्टोन नहीं है, स्टोव है, क्वेश्चन को टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। अगर आप इसको स्टोन मान के करेंगे तो आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे, STOVE ये लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं। V का मतलब क्या है, तो L है, तो L आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो चारों ऑप्शन में ध्यान से देखने पर पता चलता है L शुरुआत में सिर्फ एक जगह पे है, ऑप्शन नंबर C में, जिसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इसको पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो L के बाद यहाँ पे आ जाएगा B क्योंकि O का मतलब B है। इसी तरह से T का मतलब N है और E का मतलब K है और S का मतलब F है, तो LBNKF, LBNKF यही चीज़ आपके ऑप्शन में भी दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ₹1980 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट हाफ ऑफ एस पार्ट, 1/3 ऑफ बीस पार्ट एंड 1/6 ऑफ सीस पार्ट ऑल आर इक्वल, व्हाट इज बीस पार्ट। यहाँ पे तीन लोगों की बात हो रही है, ए बी और सी। अब ए के पास जो आधा है यानी ए बाई टू, और बी के पास जो 1/3 है यानी बी बाई थ्री, और सी के पास जो 1/6 है यानी सी बाई सिक्स, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तब ए इज टू बी इज टू सी का सिंपल रेशियो आपको कैसे देखने को मिलेगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से तीनों साइड आप मल्टीप्लाई करा लेंगे, 6, 2 ज़ा 12, 3, 4 ज़ा 12 और 2, 6 ज़ा 12। अब ये जो नंबर आपके पास में कैंसिल करने के बाद देखने को मिले 6, 4 और 2, अब यही रेशियो हो जाएगा ए इज टू बी इज टू सी का, तो 6:4:2। यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 6, 4, 10 और 2 आ जाएगा 12, यानी कि इनके पास कुल मिला के सम कितना हुआ, हमारे हिसाब से 12 लेकिन सवाल के हिसाब से 1980। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो 12 से काटते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक बार में 12 आ जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 8 को नीचे उतारेंगे, 12, 6 ज़ा 72, यहाँ से 6 बचा, 0 नीचे लेके आए, 12, 5 ज़ा 60, तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में आ गई 165।
आपको बताना है कि बी का पार्ट क्या है, यानी कि चार यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो 165 गुणे में चार कितना हो जाएगा, 160 गुणे में चार हो जाएगा 640, और 5 चौको 20, तो 640 प्लस 20 यानी 660, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये आपके सामने सीरीज दे रखी है, यहाँ पे चौथा वाला टर्म क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो चलिए देखते हैं किस लॉजिक के तहत इन सीरीज को अरेंज किया गया है। तो एक तरफ है क्यू और एक तरफ है यू, तो क्यू और यू में कितने का डिफरेंस है, तो चार का, क्योंकि क्यू का मतलब होता है 17 और यू का 21, तो ये चार का डिफरेंस है। इसी तरह से यू के बाद अगर वाई लिखा है तो वाई का मतलब होता है 25, तो फिर से चार का डिफरेंस है। अब यहाँ पे भी आपको y के बाद 4 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 25 प्लस 4 यानी 29। अब 26 में से लेस करेंगे तो यहाँ पे 29 में से 26 गया तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 का मतलब C होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए जहाँ पे शुरुआत में C हो, तो ऐसा आपको एक ही जगह पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जिसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। इतना ही टाइम देना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, ज़्यादा बढ़िया वाला लॉजिक ढूंढने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पे एलिमिनेशन लग सकता है बिल्कुल लगा के आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 पेन्स एंड 35 नोटबुक्स वर परचेज्ड फॉर ₹1100। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ द पेन्स वॉज ₹13, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ अ नोटबुक। यहाँ पे 20 पेन और 35 नोटबुक खरीदी गई कितने में, ₹1100 में। तो मान लीजिए एक पेन का प्राइस ₹X है और एक नोटबुक का प्राइस ₹Y हो जाता है। यहाँ पे 20 पेन आपने खरीदे और हर एक पेन का प्राइस X है, तो टोटल प्राइस आपने कितना पे किया, जितना हर एक पेन का प्राइस था और जितने आपने पेन खरीदे इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 20X प्लस इसी तरह से 35Y और ये हो जाएगा 1100। इक्वेशन नंबर 1 मान के साइड आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेन की प्लेस पे आपको 13 लेना है, पेन का मतलब हमने क्या माना था, तो X, तो X की वैल्यू आपको दे रखी है 13, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो 20 गुणे में 13 प्लस 35 इंटू वाई, ये हो जाएगा 1100। अब यहाँ पे 20 गुणे में 13 का मतलब होता है 13 दूनी 26 और एक जीरो 260 प्लस 35Y इक्वल टू 1100, तो 35Y बराबर 1100 में से कम करेंगे आप 260 को, तो 200 को कम करते तो 900 आता, 60 आप कम और कर रहे हैं यानी 840। अब आप इसको काट सकते हैं, चलिए 35 से ही सीधे काट देते हैं, दो बार में 70 चला गया, 14 बचा, 0 को नीचे लाए और 35 गुणे में 4 यानी 140, तो y की वैल्यू कितनी आई, 24। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जिसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के सेस ओ एंड एम आर माई ब्रदर्स, क्यू इज़ द फादर ऑफ एम एंड टी इज़ द ब्रदर ऑफ माई फादर, हाउ इज टी रिलेटेड टू एम्स मदर। यहाँ पे के स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है, उसके अनुसार ओ और एम उसके भाई हैं। अब के खुद क्या है ये चीज़ आपको नहीं पता है, तो के ओ और एम ये तीनों आपस में भाई बहन लगते हैं। जहाँ पे ओ और एम के बारे में पता है ये भाई हैं, तो अगर ये भाई हैं तो ये ऑब्वियस बात है मेल होंगे, तभी मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिया हुआ है और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लिया, क्योंकि ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। आगे लिखा हुआ क्यू इज़ द फादर ऑफ एम, अब एम के फादर के बारे में आपको पता चला कि इनका नाम क्यू है और फादर मेल होते हैं, इस वजह से प्लस का साइन लिया हुआ है। तो अगर क्यू एम का फादर होगा तो इन तीनों का साथ में फादर होगा, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन लगते हैं। टी जो है एम के पिताजी का भाई है, एम के पिताजी कह लीजिए, चाहे ओ के पिताजी कह लीजिए, चाहे खुद के पिताजी कह लीजिए, क्यू जो है टी जो है वो क्यू का ही भाई होगा, किसी और का नहीं होगा, टी जो है क्यू का भाई हो गया। अब आपको ये बताना है टी का संबंध एम की माता जी के साथ क्या है। तो एक बात बताइए, एम ओ और के इन तीनों की माता जी कौन होंगी, जो क्यू की पत्नी होंगी, क्योंकि क्यू इन तीनों के पिता हैं, तो इनकी पत्नी मान लीजिए एक्स। यहाँ पे इनका नाम आपको नहीं पता, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि ये एक पत्नी है और फीमेल होंगी। अब टी का संबंध इनके साथ बताना है, तो क्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक्स इनकी पत्नी है और टी इनके भाई हैं, तो टी के हिसाब से बात करें तो क्यू इसका भाई है और साथ ही साथ एक्स इसके भाई की पत्नी है, तो भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है, भाभी, और भाभी के हिसाब से देखें तो टी उनका देवर लगता है,
तो देवर का मतलब हो गया ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, यहाँ पे जीजा जी नहीं होगा, यहाँ पे होगा देवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ने पर आपको पता चलता है कि ये ट्रॉफीज़ हैं जो किसी ना किसी खेल से बिलोंग करती हैं। एक नेहरू ट्रॉफी है, रंगास्वामी कप है, बॉम्बे गोल्ड कप है और नारंग कप की बात हो रही है। तो अगर आप नारंग कप को छोड़ दें तो बाकी ये जो तीनों कप हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी के लिए खेली जाती है, इसी तरह से रंगास्वामी कप और बॉम्बे गोल्ड कप दो के दोनों हॉकी से संबंधित हैं। लेकिन जो नारंग कप है वो यहाँ से ऑड वन आउट हो जाएगा, टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे नारंग कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाई 2.5 kg वन अ न्यू पर्सन कम्स इन अ प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg, वॉट विल बी द वेट ऑफ दैट न्यू पर्सन। यहाँ पे 8 लोग एक जगह पे बैठे होते हैं और इनका एवरेज वेट कुछ ना कुछ होता है। मान लीजिए वो एक्स था, लेकिन हुआ क्या, एक बंदा यहाँ से गया और दूसरा आ गया, तो एक गया तुरंत दूसरा आ गया, यानी पहले भी इनकी स्ट्रेंथ 8 थी, अभी भी यहाँ पे 8 लोग हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो इनका एवरेज वेट कितना हो गया, एक्स माइनस 2.5। अब ये एक्स और एक्स माइनस 2.5 का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिख रहा था। एवरेज कम हो गया 2.5 से, इस बात का मतलब क्या है, एवरेज आखिर होता क्या है। एवरेज वो होता है कि हर एक को कितने का फ़ायदा या फिर नुकसान हुआ। तो हर एक को 2.5 का फ़ायदा हो गया और 8 ऐसे ऐसे लोग थे, तो टोटल फ़ायदा कितना हुआ, 8 × 2.5, क्योंकि हर एक को 2.5 का फ़ायदा हुआ और ऐसे ऐसे 8 लोग वहाँ पे थे, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20, 20 किलो का इंक्रीमेंट हो गया। ऑब्वियस सी बात है वो इसलिए हुआ होगा कि जो 65 किलो वाला बंदा इनको छोड़ के गया, आने वाला बंदा इससे 20 किलो ज़्यादा होगा, यानी वो 85 किलो का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड बैड एंड गुड को इस तरह से लिखा जाता है, टू एंड नन को इस तरह से। अब सीधे चलते हैं, पूछा क्या है, गुड का मतलब आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं। जो शब्द हमें समझ में आ रहे हैं वो है बैड एंड गुड, और कोडेड के हिसाब से 3, 2, 5, और दूसरा है टू एंड नन। तो बैड एंड गुड और टू एंड नन में कौन सा वर्ड कॉमन है, तो एंड। एंड यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया, और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करें तो क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, दो यहाँ पे कॉमन आ सकता है, तो एंड का मतलब हो गया दो। इस तरह से आप समझ चुके हैं। अब इनको कंबाइन करके देखते हैं, इसको और इसको। तो एक है आपके पास बैड एंड गुड और एक है आपके पास दैट इज़ बैड, तो यहाँ पे आपने कॉमन उठाया किसको, तो बैड को। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं 3, 2, 5 और यहाँ पे हैं 1, 5, 9। अब दो का मतलब हम लोग निकाल चुके हैं, तो दो का कोई भी मतलब नहीं है, तो कॉमन हमारे पास में क्या मिला, 5, तो बैड का मतलब हो गया 5। इस तरह से हमने निकाल लिया। तो वापस अगर हम यहाँ पे आएँ बैड एंड गुड में, तब आप दो का मतलब जान चुके हैं और 5 का मतलब भी आप जान चुके हैं, तो 5 एलिमिनेट हो गया, 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, तो बचा क्या, 3 बचा, और 3 का मतलब ऑब्वियस सी बात है गुड हो गया, तो गुड का आपने मतलब निकाल लिया 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीचेस पॉइंट बी विच इज 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम ऑन द वे, हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन, द स्पीड ऑफ द कार इज। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है या फिर दो मीडियम की बात हो रही है, एक है ट्रेन और एक है कार। अब ट्रेन जो है वो 50% ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है कार से, तो मान लीजिए कार की स्पीड 100 यूनिट की थी, तो ट्रेन की स्पीड इससे 50% ज़्यादा होगी, यानी 150 यूनिट्स की हो जाएगी। रेशियो ले लेते हैं, 50 से काटते हैं 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 3:2, तो मान लीजिए ट्रेन की स्पीड 3x किलोमीटर पर आर है, और इसी तरह से कार की जो स्पीड है वो 2x किलोमीटर पर आर हो जाती है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ट्रेन की बात करें चाहे आप कार की बात करें, दोनों एक टाइम पर निकलती हैं और सेम टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाती हैं, तो
तो ऐसा कैसे हो सकता है जबकि एक की स्पीड दूसरे से बहुत ज़्यादा है? ऐसा तभी हो सकता है जब ज़्यादा स्पीड वाली चीज़ स्लो डाउन हो जाए, उसकी स्पीड कम हो जाए, तभी वो कम वाली स्पीड के बराबरी में आ जाएगी। आप सिचुएशन को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये ट्रेन है और ये कार, इसकी स्पीड 50% ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ गति से भाग रही होगी और इसकी स्पीड इसके मुकाबले कम है, मान लीजिए इतनी स्पीड है। अब दोनों सेम टाइम पर इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेन आपकी तेज़ चल रही थी ये रास्ते में धीमी पड़ जाती है। और इसके बारे में भी आपसे कहा जा रहा है कि ट्रेन 12 मिनट अपना टाइम वेस्ट कर देती है क्योंकि उसको स्टेशनों पर रुकना पड़ता है, और यही रीज़न है कि इतनी तेज़ चलने के बावजूद वो कार के बराबर उसने टाइम लिया डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। अब ये लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेन ने 12 मिनट खो दिए। 12 मिनट खो देने का मतलब है कि टाइम का डिफरेंस आ गया 12 मिनट का, टाइम का डिफरेंस 12 मिनट का आ गया। और वैसे ये है किसके बीच में डिफरेंस, तो ट्रेन और कार के बीच में। और ट्रेन की बात करें चाहे आप कार की बात करें, दोनों की डेस्टिनेशन कॉमन है, यानी कि दोनों ने सेम डिस्टेंस को ट्रैवल किया हुआ है, तो डिस्टेंस तो दोनों के केस में 75 किलोमीटर का ही रहेगा। और एक की स्पीड 3x है तो दूसरे की 2x है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर आप ट्रेन द्वारा लिए गए समय की बात करें तो ये हो जाएगा 75 अपॉन में 3x। इसी तरह से अगर आप कार द्वारा लिए गए समय की बात करें तो ये हो जाएगा 75 अपॉन में 2x। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही चीज़ लेके हमको सॉल्व करना है और तुरंत आपको आपका आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 75 अपॉन में 2x माइनस 75 अपॉन में 3x, ये चीज़ आपको देखने को मिली 12.5 मिनट, यानी कि कितने घंटे, डिवाइड बाय 60। पॉइंट हटाएंगे, जीरो को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 125/600। 75 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस 1/3x, और ये 125/100। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, 25 से इसको काट सकते हैं, ये 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, और 3 को यहाँ ले आएंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x अपॉन 6x² ये आ जाएगा 1/20/60, क्योंकि 3 अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 60 आ गया। 20 × 3 ऊपर सॉल्व करेंगे तो x आएगा, और ये 6x², 1x कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/60। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 360 चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 100 × 6 लिखा था, यहाँ पे 600 था शुरू में, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का विशेष। तो आखिरी में हम लोग को देखने को मिलता है 1/6x इज इक्वल टू 1/360, 6 से काटेंगे 6 बार में जाएगा और 1 0, तो x बराबर आ गया 60, और कार की स्पीड हमने मानी थी 2x, तो ये आ जाएगा 60 × 2 यानी 120। 120 किलोमीटर/आवर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपसे मिस्टेक ये हो सकती थी, 125/600 ये 600 था, तो मैंने इसको लिखा था 100 × 6, और इसीलिए 100 को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया, तभी ये यहाँ पे इतना आ गया।